हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। तो दोस्तों, बिहार जीविका में दोस्तों कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए दोस्तों स्पेशल वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जहाँ पर आपका सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा इस वीडियो में, जिस जहाँ पे दोस्तों बताऊंगा मैं आपको कि जो आपका कट ऑफ है कितना कितना जाने वाली है सीसी पोस्ट के लिए, और मैं बताऊंगा टोटल एग्जैक्ट कितना पोस्ट कितना पद लाया गया था। शुरू में जब लाया गया था पोस्ट तो बताया गया था 1800 पोस्ट थी, लेकिन तो फाइनली जो पोस्ट है आपको इंक्रीज कर दी गई है। कितने इंक्रीज की गई मैं आपको वो बताऊंगा। टोटल आपको कैटेगरी के अनुसार बताऊंगा किस किस कास्ट में कितना कितना पोस्ट लाया गया था, और जो आपका भर्ती है वो कितना स्टेप के बाद होगी। तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले तो अगर किसी वीडियो से किसी का इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ, इस तरह वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। प्लीज़ तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। किस तो एक्सपेक्टेड है जो एक्सपर्ट लोग के द्वारा जारी किया गया, मैं आपको वो बताने आया हूँ कि किस किस कास्ट में किस किस कैटेगरी में कितना कितना मेरिट लिस्ट जाएगी, जिसके अनुसार आप सभी को 45 दिन के इंटर्नशिप के लिए बुलाया जाएगा। देन उसके बाद एक और फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। उस फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। देन तो मैं बता देता हूँ टोटल जो आपका सैलरी है वो तो 13,300 से लेकर 9,300 के बीच है। और तो आपको ये भी पता होगा ऑलरेडी कि जो तो ये जो वैकेंसी ही है टोटल संविदा पर वैकेंसी है, यानी कि तो 3 साल का बॉन्डिंग होगी। जो काम कीजिएगा वो काम का परफॉर्मेंस अगर बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छा होगा, तो दोस्तों आपको रिन्यूअल भी कर दी जाएगा, आपको परमानेंट भी कर दी जाएगा। और तो जो आपको सैलरी है 13,000 से 9,000 के बीच होगा, मतलब दोस्तों आप जब ज्वाइन कीजिएगा 13,300 मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में आपको 17,000, उसके बाद जो फाइनल तो थर्ड ईयर में आपको 19,000 कर दिया जाएगा। दोस्तों अब जान लेता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना कितना जाने वाली है, ताकि आप सभी लोगों को पता चल जाए कि आपका जो नंबर आया है उस नंबर के अनुसार किन किन लोग का आगे 45 दिन का जो इंटर्नशिप में उन सभी लोग को बुलाया जाएगा। दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या है। हाँ दोस्तों, दोस्तों ये रहा BRLPS कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर यानी कि सीसी पोस्ट के लिए पूरा आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दोस्तों जहाँ पर आपको मैं जनरल के अनुसार, BC के अनुसार, EBC के अनुसार, SC के अनुसार टोटल मेल एंड फीमेल दोनों का बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं जनरल, जो लोग जनरल में आते हैं ऊपर से जो लोग बॉयज मतलब मेल हैं उनका अगर नंबर 39 नंबर आ रहा है तो दोस्तों आप लोग कंफर्म हो जाइए, आप सभी लोग का 45 दिन के लिए जो इंटर्नशिप है उनका उसमें नाम आ जाएगा, आप सभी लोग को 45 दिन का इंटर्नशिप में भेज दिया जाएगा। और तो देखते हैं जो 39 नंबर है तो इसमें आप +2 नंबर -2 नंबर मार्जिन करके चलिएगा, हो सके तो 40 नंबर या हो सके तो 38 नंबर में आपका फाइनल कट ऑफ जाएगा। इससे नीचे न जाने वाली ना उससे ऊपर जाने वाली, दोस्तों ये डेफिनेटली इतना है, 100% नहीं बोल सकता, लेकिन दोस्तों 90% कंफर्म इतना ही कट ऑफ जाएगी। और तो नेक्स्ट है जो फीमेल के लिए जनरल में ही 37 नंबर, जो लोग जनरल में आते हैं जो वोमेन है उन लोग का अगर नंबर 37 नंबर आ रहा है तो वो सभी लोग कंफर्म उनको मिल जाएगी इंटर्नशिप के लिए लेटर। नेक्स्ट दोस्तों BC यानी कि दोस्तों बैकवर्ड कास्ट में जो लोग का नंबर 35 आ रहा है उन सभी के लिए भी कॉल लेटर मिल जाएगी इंटर्नशिप के लिए। दोस्तों नेक्स्ट है जो EBC, EBC तो जिसमें मेल और फीमेल, मेल के लिए दोस्तों जिनमें 34 नंबर आता है उन लोग को सिंपल मिल जाएगी इंटर्नशिप के लिए, बुला लिया जाएगा, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। और जो फीमेल में आते हैं उनके सिर्फ 29 नंबर, 29 नंबर आता है तो आसानी से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। SC वाले दोस्तों, SC में आप जिसते हैं मेल और फीमेल के लिए, मेल के लिए 28.5, फीमेल के लिए 25.5 आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आते हैं WBC यानी दोस्तों वोमेन बैकवर्ड कास्ट, वोमेन बैकवर्ड कास्ट में टोटल 26 नंबर जाने वाली है। अब लास्ट बच गया आपका ST, ST में तो अगर आपका 27 नंबर आती है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ मैं आपको बता चुका हूँ, इतना ही कट ऑफ आपको आने वाली है, जो कट ऑफ आई थिंक इस सप्ताह के अंदर जारी कर दी जाएगा। जैसे तो जैसे ही ऑफिशियल जारी किया जाएगा मैं आपको फटाफट अपने चैनल के थ्रू अप टू डेट कर दूंगा। इस सारा न्यूज़ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल से बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बिहार में आने वाली किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म से अगर आप टू डेट रहना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल से बने रहिएगा। दोस्तों ये रहा दोस्तों पोजिशन वाइज रिवाइज वैकेंसी लिस्ट, दोस्तों इसका ये रहा पूरा वैकेंसी लिस्ट जहाँ पर आपका टोटल जो आया था जीविका में भर्ती वो सभी का, दोस्तों देखते यहाँ पर टोटल आपको कैटेगरी के अनुसार बताया गया कितना कितना वैकेंसी है। दोस्तों इसमें मैं आपको बताने आया हूँ CC यानी कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए। दोस्तों देखते ये रहा कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए, दोस्तों आप देखते हैं लास्ट में जहाँ पर टोटल दोस्तों आप देख सकते हैं 1950 भर्तियाँ पोस्ट लाया गया है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए। इससे पहले दोस्तों जब
इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस टाइम 1800 समथिंग बता रहा था, अब दोस्तों इसके सारे 1900 टोटल वैकेंसी आपके लिए है, यानी तो लगभग 90 या 100 वैकेंसी आपको इंक्रीज कर दी गई है दोस्तों। तो आप सभी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है, आप सभी को बहुत ही खुशखबरी की बात है दोस्तों। तो इस खुशखबरी के साथ एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ तो लाइक के बटन को क्लिक कर देना दोस्तों। देखते हैं यहाँ पर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए, जहाँ पे दोस्तों देखते हैं पूरा जनरल के लिए कितना कितना सीट है दोस्तों। देखते हैं यहाँ पर कैटेगरी के साथ देख लीजिएगा कितना कितना सीट है, यहाँ पे देखते हैं ईबीसी के लिए दोस्तों अच्छा खासा सीट है, टोटल 448 पोस्ट है ईबीसी के लिए, जो लोग ईबीसी में आते हैं उसका 448 पोस्ट है, जनरल में आते हैं उसमें टोटल तो देखते हैं 920 पोस्ट है टोटल आपका, बाकी दोस्तों अदर जितना भी है कैटेगरी उन सब कैटेगरी में भी अच्छा खासा पोस्ट है, देख लीजिएगा। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ और बातें, ये रास्तों आप स्टेप वाइज टोटल प्रोसेस सिलेक्शन का दोस्तों, क्या क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पूरा 10 स्टेप में दोस्तों आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, जहाँ पे दोस्तों फाइनली अभी हम लोग जिस स्टेप में वो है आपका 6 स्टेप में है। 6 स्टेप के बाद दोस्तों आपको 7 स्टेप करना क्वालिफाई, 8 को क्वालिफाई करना, 9 क्वालिफाई करना एंड देन फाइनली लास्ट जो स्टेप है 10, जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी दोस्तों। जिसके 6 स्टेप में हम लोग हैं, जहाँ पे दोस्तों आपका जो आपका ये क्वालिफाई मार्क्स है दोस्तों वो जो जारी कर दिया गया, आप सभी लोगों ने क्वालिफाई मार्क्स देख लिया होगा, जिसका जो लास्ट डेट था 7 दिसंबर तक था, अब दोस्तों आप नहीं दे सकते हैं क्योंकि दोस्तों अभी है जो है 12 दिसंबर डेट है। अब उसके बाद तो नेक्स्ट है जो 7 स्टेप है दोस्तों, देख सकते हैं पब्लिकेशन ऑफ पोजिशन वाइज लिस्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द मेरिट, यानी दोस्तों सिंपल सा कि मेरिट के अनुसार जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसका अब लिस्ट आपका जारी किया जाएगा, उस लिस्ट में जिस लोग का नाम आएगा उसी को 45 दिन के इंटर्नशिप के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो अभी मैं कट ऑफ बताया हूँ वो इसी कट ऑफ पे डिपेंड करता है, इसी का मैं कट ऑफ बताया हूँ, इस कट ऑफ में जिन लोग का नंबर आ रहा है आपने जो चेक किया है तो उन सभी के लिए दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेसन एडवांस में दोस्तों, क्यों आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। और दोस्तों नेक्स्ट जो 8 नंबर तो देखते हैं स्टेप, जो आपका सिंपल सा है जो अदर पोस्ट के लिए, जहाँ पे आप लोग को पीपीटी देना था वो 1 साल 1 दिन का 2 दिन का वो दोस्तों अदर पोस्ट के लिए है। और दोस्तों नेक्स्ट है जो 9 नंबर तो देखते हैं ये रहा द कैटेगरी वाइज जो फाइनल मेरिट लिस्ट जाएगा जारी किया जाएगा, यानी दोस्तों सिंपल सा आपका 45 दिन के इंटर्नशिप के बाद भी एक मेरिट लिस्ट आएगा, वो मेरिट लिस्ट 100% ही इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए कि आप लोग का जॉब मिली कि नहीं मिली जीविका में, ये उसी मेरिट लिस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपका उस मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप कंफर्म हो जाइए कि आपका जॉब जीविका में लग गई है दोस्तों। ये है जो 9th स्टेप है, जहाँ पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, इसी मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका जॉब वहाँ पे लगेगी। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट प्रोसेस है जो स्टेप है 10, जहाँ पे आपको फाइनली कॉल लेटर दे दी जाएगा, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ये से सारा प्रोसेस थैंक यू दोस्तों, सिंपल अभी 4 प्रोसेस और बचा हुआ है 7, 8, 9 और 10, ये सभी प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। आप सभी को दोस्तों ये सभी प्रोसेस के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। वीडियो यहीं समाप्त होती है, अगर कोई वीडियो अच्छी लगी है या इस वीडियो से किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों शेयर करना ताकि उन्हें भी ये सारा इन्फॉर्मेशन पता चले। बिहार में आने वाली किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल से बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और इसी वजह से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ, इस तरह की वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ, प्लीज़ तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पर फिर अदर गवर्नमेंट फॉर्म के बारे में बताने आऊंगा या इस तरह का अपडेट देना होगा, तो के लिए अपना ख्याल रखना।